और कास्को में देखें चिड़ियाँ, है ना, अजीब बात, ये इंडोर है और इंडोर में आप देखें चिड़ियाँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आई। सुबह सुबह उठे तो स्नो पड़ी हुई थी जो कि दिन चढ़े पे थोड़ी मेल्ट हो गई, और मुझे जल्दी से खाना बना के जाना था ग्रॉसरी लेने, तो मैंने फटाफट से खाना बनाया और ग्रॉसरी लेने के लिए निकली। तो आज मैं ग्रॉसरी लेने के लिए आई थी कास्को। ये देखें, हैप्पी हॉलीडेज़ गोरो ने बिन लगा के रखा हुआ है, जो क्रिसमस के डेज़ में कोई डोनेशन डाले, अंदर से चीज़ें बाय करके आप इन बॉक्सेस में डालते जाएं डोनेशन के लिए। अक्सर यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर्स के ऊपर ऐसे बॉक्सेस लगे होते हैं, आज इसके ऊपर हैप्पी हॉलीडेज़ लिखा हुआ है। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे बड़ी अच्छी डील्स लगी हुई थी क्योंकि इनकी थी क्रिसमस। ये एयर फ्रायर देखें, $40 ऑफ लगा हुआ है। ये बड़े अच्छे रहते हैं, ये एयर फ्रायर प्लस टोस्टर ओवन है, और छोटा सा काउंटर पे रखो आप छोटे छोटे कामों के लिए, बड़ा अच्छा रहता है। मैंने भी एक रखा हुआ है, थोड़ा सा इससे मेरा बिगर साइज़ है लेकिन बहुत काम देता है। उसी में मैं ब्रेड टोस्ट करती हूँ, उसी में एयर फ्रायर की भी चीज़ें, बेकिंग शेकिंग हर चीज़ इसके अंदर चलती है। ये देखें इसके ऊपर कितने सिस्टम लिखे हुए हैं। आजकल जो चीज़ें आ रही हैं वो एक में सारा ही सिस्टम आता है। और साथ साथ ये देखते जाएं, ये ब्रशेस भी सेल पे थे, बहुत सारी डील थी। यहाँ पे ऐसा होता है जब इनकी ईद आती है तो ये बहुत सारी सेल्स लगाते हैं, बहुत सारी डील्स देते हैं। ये कॉफ़ी मशीन भी जो है ये भी ऑफ पे थी, और इसके साथ साथ ये कॉफ़ी के जो हैं कप्स, ये भी इतनी अच्छी अच्छी डील्स मिल जाती हैं यहाँ पे कास्को पे। तो आपको चीज़ें थोड़ी सी महंगी लगती हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी पैकिंग में होती है, लेकिन अगर आप देखें कि ये वर्थ करती हैं लेनी, ये ज़्यादा देर तक चलती हैं और अब बाय द एंड आपको प्राइस बहुत सेफ होती है। सेल पे तो मैकडोनल्ड की लगी थी लेकिन मेरे बच्चों को ये पसंद है। और ये तिफाल के जो पैन हैं ये मुझे बहुत पसंद है ये वाले, और मैं ये रबड़ के हैंडल के लेती हूँ। हैंडल जो है वो इतना जल्दी इसका गंदा नहीं लगता दूसरों के, हमारे तो फ्राइंग बहुत है ना देसी की। ये देखें $30 का है ये, और बड़ी अच्छी प्राइस थी। तो हमारी फ्राइंग ऐसी होती है कि उस पर दाग पड़ जाते हैं। ये नाइफ़ भी बहुत अच्छे लगे हुए थे सेल पे, हर चीज़ मज़े मज़े की जो है वो सेल पे थी, चॉकलेट सेल पे थी। हमारे यहाँ जब ईद आती है तो या रमज़ान आता है चीज़ें महंगी हो जाती हैं। यहाँ पे ये लोग जो रिलेटेड होता है ना इवेंट, उसकी चीज़ ज़्यादातर सेल पे लगा देते हैं, स्पेशली जब वो क्लोज हो जाता है। जैसे जैसे क्रिसमस पास आती जा रही है वैसे वैसे इन चीज़ों पे सेल्स लगती जा रही हैं। ये बड़े अच्छे बॉक्सेस हैं फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, आजकल तो बहुत इनका ट्रेंड चल रहा है। आपने अक्सर व्लॉग्स वगैरह में देखे होंगे लोगों के, मैंने नहीं अभी तक रखे क्योंकि इसमें स्पेस जो है वो फिर फ्रिज में आपको ज़्यादा चाहिए होती है और चीज़ें कम आती हैं। तो मैं तो लाइक जिप लैग्स में और दूसरी चीज़ों में टाई करके रखती हूँ, तो जैसे जैसे कम होता जाता है स्पेस बनती जाती है। अदरवाइज़ चीज़ें कम भी हो जाएं तो ये बॉक्सेस अपनी स्पेस तो लेते ही हैं। ये बड़ी अच्छी है चॉकलेट ये वाली, और ये गिफ्ट के लिए बहुत अच्छी है, ये लोग भी गिफ्ट्स में यूज़ करते हैं गिफ्ट देने के लिए। और हमारे भी जो जैसे पाकिस्तान दिसंबर ब्रेक में जो जाने वाले लोग होते हैं ना, अक्सर यही चॉकलेट जो है वो गिफ्ट के लिए लेके जाते हैं पाकिस्तान अपने लाइक भांजे भतीजों और बच्चों को देने के लिए। और पाकिस्तानियों को बहुत पसंद आती हैं यहाँ की चॉकलेट्स, आपको पता है। देखें ये वाली चॉकलेट भी सेल पे थी। ये इन्होंने जो है बास्केट्स बनाई हुई थी चॉकलेट्स की भी हैं, और ये देखें इसमें जैसे हमारे अचार चटनियाँ मुरब्बे, और नीचे आप देखें छन्नी बड़ी है, जैसे हम लोग चावल के छानने के लिए बॉयल चावल या सब्ज़ी धोने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमारे ये देसी फूड गोलगप्पे,
और उनको पता है देसियों को गोलगप्पे बहुत पसंद है, तो वो एक नहीं दो नहीं तीन तीन बॉक्सेस को इकट्ठा टाई करके देते हैं हमें। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी वीडियो बनाने की, लेकिन ये एक आदमी बड़ी देर से खड़ा था और वो सारे चेक कर रहा था कि कोई टूटे हुए ना हो। अनार बहुत शौक से ये लोग खाते हैं और इसी तरह से अनार के दाने निकले हुए मिलते हैं, और ये $12 का था। ये चीज़ मेरे यहाँ बहुत यूज़ होता है और ये सेल पे था, इस पे $3 ऑफ थे, तो मैंने तो फटाफट से इसके दो तीन पैक उठाए, तीन पैक उठाए, एक में दो होते हैं। मेरे बच्चे चीज़ बेगल खाते हैं या हम ब्रेड को लगा के खाते हैं। ये जो लो फैट वाला भी सेल पे था और फुल फैट वाला भी। अब क्रिसमस का इवेंट है तो रिलेटेड चीज़ें जैसे ये अल्मोनियम फॉइल की ट्रे, प्लेट्स, फॉइल्स, ये सारी चीज़ें देखें आप सेल पे आई हुई हैं। लोगों को आसानियां बांटते हैं, ये मुश्किल नहीं होती। ये नहीं कि आप आजकल पार्टीज़ के लिए लोगों को प्लेट्स चाहिए तो प्लेट्स की प्राइस ऊपर चली जाएगी, नहीं देखें आप, उन्होंने कट डाउन की है। डिटर्जेंट तो हमेशा ही कोई ना कोई सेल पे होता है, लेकिन ये टाइड बहुत बेस्ट क्वालिटी का होता है और इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। जब ये नीचे आए तो ये तो बहुत अच्छा रहता है। बटर उन्होंने लिमिट लगाई हुई थी 20 पर पर्सन, बट मुझे समझ नहीं आई क्यों, क्योंकि ये तो रेगुलर प्राइस पे ही लगा हुआ था। यूजली यह चीज़ शॉर्ट होती है तब इस तरह से होता है, या फिर प्राइस डाउन होती है तब। अब ये एग्स हैं, ये रन फ्री मैं लेती हूँ, ये थोड़े से महंगे होते हैं, लार्ज होते हैं, और ये 2% मिल्क मेरा, मैं ये यूज़ करती हूँ। फुल फैट तो बहुत अरसे से कभी यूज़ नहीं किया, बच्चे अभी छोटे ही थे जब डॉक्टर ने कहा था कि 2% यूज़ किया करो बच्चों के लिए भी, तो तब से मैं यही एग्स यूज़ करती हूँ। ये मेरी ट्रॉली देखें पानी की, मैंने बॉटल्स रखी हुई हैं तो वो भरी हुई है, और ये बड़ा सारा फ्रिज है जिसके अंदर मैं फ्रीज हो रही हूँ। अब ये देखें ये एक्स्ट्रा लार्ज एग्स हैं 719 के, लेकिन ये फ्री रन नहीं है, ये फ्री रन है, ये लार्ज साइज़ के हैं लेकिन इनकी प्राइस 849 है, बट हेल्थ के लिए ये बेटर है। ये उससे भी थोड़े चीपर पड़ जाते हैं, 30 एग्स हैं 869 के। अब ये देसी अंडे हमारे, ये 24 एग्स होते हैं और ये 1229 के हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा मसला है कि आप इनको जब तोड़ेंगे तो इसमें से आपको हल्का सा एक कतरा खून ज़रूर मिलेगा, तो इसलिए मैं लेती बहुत कम हूँ। ये समोसे देसी ये इंडियन थे, लाइक आलू और मटर के समोसे, देखें $17 के, और आई थिंक इसके अंदर 24 पीसेस थे आई बिलीव। कुकीज़ भी क्रिसमस के दिनों में ये लोग बहुत देते हैं गिफ्ट्स में, तो कुकीज़ की भी इस तरह की वैरायटी पड़ी हुई थी वहाँ पे। और कास्को में देखें चिड़ियाँ, है ना अजीब बात, ये इनडोर है और इनडोर में आप देखें चिड़ियाँ इधर उधर फुदकती फिर रही हैं। एक दफ़ा मैंने एक शॉर्ट वीडियो शेयर की थी जिसमें कास्को में ऊपर से छत से बे इंतहा पानी नीचे गिर रहा था जैसे कि तूफानी बारिश हो, तो ऐसे नज़ारे तो सिर्फ कास्को में देखने को मिलते हैं। ये मैंने कुकीज़ आगे भी ली थी बहुत मज़े की, दोबारा लाई हूँ, और ये देखें ये आपको यहाँ पे स्किन केयर की चीज़ें भी जो हैं, काफ़ी चीज़ें जो ऑफ पे नज़र आ रही होंगी इस दफ़ा। अक्सर लाइक अक्सर तो ये नहीं होती है, महंगी वाली थोड़ी हल्की वाली होती हैं, लेकिन अच्छी खासी इस पे ऑफ थी, ये बॉडी शॉप भी ऑफ पे था। तो आपको यहाँ पे हर तरह की चीज़ मिल जाती है, सोप से लेके स्किन केयर, बॉडी सॉप, शैम्पू, बहुत बड़ी बड़ी इनकी पैकिंग होती है। जैसे आप देखें ये दो की पैकिंग है और आपको दो ही लेने पड़ते हैं, बेगल भी आप दो ही लेंगे, दो का पैक लेंगे। इस तरह से ब्रेड्स तीन होती हैं, सैंडविच ब्रेड होती है, उसके बड़े बड़े दो पैक्स होते हैं। लाइक आपको बल्क में चीज़ मिलती है लेकिन वो फिर ख़त्म इतनी जल्दी नहीं होती, हम लोग एक्सपायरी देख लेते हैं चीज़ों की। ज़्यादातर मैं ड्राई आइटम यहाँ से लेती हूँ। ये योगर्ट के कैन लाइक बॉक्स थे जो 6 बॉक्स हैं, ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस है। अदरवाइज़ आप दूसरी जगह पे मार्केट में जाएं तो आपको $3 से $4 का एक जो है योगर्ट का डब्बा मिलता है। शाम का टाइम था, ऑफिसेज ऑफ थे, स्कूल ऑफ थे, तो आप देखें रश बे इंतहा था, लाइनें इतनी लंबी लगी हुई थी। कास्को में अगर आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाओ ना तो फिर लाइन नहीं होती, लेकिन वो मुझे जाना बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड होता है। ब्रेकफास्ट के बाद आप जल्दी जल्दी भागो,
और यहाँ पे ये चुई बार की किस्में हैं, तो ये एक वेजिटेरियन है, आजकल आई हुई बच्चों को बहुत पसंद है ये। इसमें और फ्लेवर्स भी होते हैं, कास्को में तो बस यहाँ पे एक ही, हाँ एक और है कोई, लेकिन इसके बड़े अच्छे अच्छे मज़े मज़े के फ्लेवर्स आपको दूसरी जो है शॉप्स में मिल जाते हैं, स्पेशली अडोनस पे होते हैं, और बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। तो फिर हलाल होते हैं, लाइक वीगन है तो फिर हलाल हैं, आपको कोई मसला नहीं है इसका ना चेक करने का। और जैसे ही मैं ग्रोसरी लेके निकली, मैं असर पड़ के आई थी, मगरिब का टाइम हो गया, और देखें बहुत खूबसूरत व्यू हुआ हुआ है, बहुत प्यारा सा स्काई का कलर हुआ हुआ है। तो अब मेरी तो है भरी हुई ट्रॉली, और एक जहाज मैंने उसको करना है अपनी गाड़ी में सेट करने का। ये देखें मेरी ट्रॉली कितनी भरी हुई है, क्योंकि इनकी मैंने अभी बताया पैकिंग बहुत बड़ी होती है, और आप मुझे देखिएगा कि मैं इसको गाड़ी में कैसे सेट करूँगी, बल्कि मैंने सेट करके ही आपको दिखाऊँगी। और ये है मेरी गाड़ी, मैंने इसकी सीट्स बंद की हैं, जो टिश्यू के बॉक्सेस और ये टॉवल टिश्यू वगैरह सारा मैंने आगे लगा दिया है, ग्रॉसरी पीछे है। अगर ना भी उठाई जाए, बाहर सर्दी बहुत है, सम टाइम ऐसा होता है कि सारी चीज़ें गराज तक या घर तक नहीं पहुंचती, तो जैसे टिश्यूज़ वगैरह आप गाड़ी में भी पड़े रहने दें, नेक्स्ट डे आप उठा सकते हैं। तो बस ये एक छोटा सा व्लॉग था मेरा, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाई थी कास्को के आज की डील्स।